नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चे को अपने चैनल सरकारी लैब में। दोस्तों मैंने अभी रिसेंटली में एजुकेशन का रिफ्लेक्टिव लर्निंग आपका सब्जेक्ट है उसका आंसर मैंने इंग्लिश हिंदी में अपलोड किया था, तो आप सभी बच्चों ने कहा था सर इंग्लिश में भी अपलोड कीजिए। तो सेकेंड का आंसर हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम में। वाई नोट टेकिंग स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट, डिस्कस वेरिएंट मेथड फॉर नोट टेकिंग विथ एग्जाम्पल। ठीक है, नोट जो टेकिंग होता है वो क्यों है इम्पोर्टेंट। आजकल तो सब फ़ोन से व्हाट्सएप कर देते नोट्स। ठीक है, तो आइए दोस्तों आंसर जानते हैं हम। दोस्तों आप लोग स्टार्ट कर दीजिए लिखना, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जो ब्लैक में लिखा हुआ है उसको आप ब्लैक में लिख लेना। ठीक है, बाकी आंसर्स आप अपना जो ब्लू पेन होता है ब्लू पेन से लिख सकते हो। एंड प्लीज़ दोस्तों शेयर ज़रूर करें, अभी रिसेंटली जो चीज़ें हैं तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसे भी चाहिए उसे दे देना। अब दोस्तों एक चीज़ देखने की है, आप यहीं तक अभी आंसर लिखोगे। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद आप स्टॉप कर देना, उसके बाद आपको क्या लिखना है मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद दोस्तों आपको मेथड्स ऑफ नोट टेकिंग लिखनी है, यहाँ से स्टार्ट करोगे आप। उसके बाद ये टेबल आपको बनाना ज़रूरी है, तो आप लोग टेबल को सही से बनाना। ठीक है, नॉर्मली टेबल भी बना सकते हो और लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेबल बना लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। नॉर्मली लिखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख के व्हेन टू यूज। ठीक है, यानी कि लिस्ट आपका मेथड हो जाएगा लिस्ट, डिस्क्रिप्शन में आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख देना और व्हेन टू यूज में अपना व्हेन टू यूज लिख देना। अब दोस्तों टेबल ख़त्म हो गया है, उसके नीचे आएंगे तो स्टेप्स ऑफ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग के आपको स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं नोट मेकिंग के। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आपको इतना लिख लेना है, काम ख़त्म। अब हम चलते हैं सेकेंड आंसर, क्योंकि आंसर आपको दो करने हैं चार में से, एक हमने कर लिया, अब हम चलते हैं सेकेंड आंसर पे। दोस्तों अब हम करेंगे आंसर नंबर थर्ड, यानी कि आपका सेकेंड आंसर, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए हेयर आंसर मॉडल, यहाँ से यहाँ पे प्रोसेस मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय गिब्स। एंड प्लीज शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी बताना। एसवेल और बीड्स से रिलेटेड जितनी जो मतलब वीडियोज हैं आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर देना। इवोल्यूशन एनालिसिस कंक्लूजन एक्शन प्लान, ये सब कुछ आपको लिखना है।
जो दोस्तों आपको ब्लैक में दिख रहा है, ठीक है, वो ब्लैक पेन से लिखना, जो डार्क ब्लैक है, नॉर्मल ब्लैक है उसको आप ब्लू पेन से लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद गिब्स हैज़ डिस्क्राइब द मॉडल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम के की तरह से इनकी मॉडल्स डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। तो ये डायग्राम आप जरूर बनाओगे, ठीक है, इस डायग्राम को छूटना नहीं चाहिए। 5 नंबर का है ये डायग्राम, तो आप लोग प्लीज बना लेना, 5 नंबर का डायग्राम ऐसे मत छोड़ना। इसको कहते हैं गिब्स मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन, 1998 में बनाया गया था, ठीक है। ये भी आपको लिखना है, गिब्स मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए सेकेंड, अब यहाँ पे गिब्स मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन को लर्निंग मॉडल कहा गया है, क्यों वो हम लिखते हैं यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए लिखने, ये गिब्स मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने के बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो डायग्राम आप देख लो, ये आपको 4 लर्निंग स्टाइल है, ठीक है, ये 4 लर्निंग स्टाइल आपको लिखना है, ध्यान से देख लो आप लोग। मैंने आपको दोनों आंसर लिखा दिया है, तो आप लोग हिंदी में भी कर लेना, हिंदी में भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में पहले ही जाकर देख लेना हमारे यूट्यूब चैनल पे, सरकारी रिजल्ट। अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है, नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको नीचे लिख देना है, ठीक है। डाइवर्जिंग स्टाइल, फीलिंग एंड वॉचिंग, असाइमिलेटिंग, वॉचिंग एंड थिंकिंग, कन्वर्जिंग, डूइंग विथ थिंकिंग, एकोमोडेटिंग, डूइंग विथ फीलिंग, ठीक है। तो ये सब आपको लिख देना है, कहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ तक, यहाँ पे आपका आंसर एंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो आंसर है, 2 आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक सेकेंड मैंने बताया, एक आपको थर्ड बताया, 2 आंसर आपका कंप्लीट हो गया। फटाफट आप 2 आंसर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट आंसर के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।